हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने जूलॉजी के प्रीमियम कोर्स को लेकर आपके सामने फिर आ गए हैं। जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे बुक कर सकता है और पूरे एक साल अनइंटरप्टेड जितनी बार उन लेक्चर्स को देखना चाहे वो देख सकता है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बार बार रिवीजन कराता रहेगा और आपको क्लासरूम की फीलिंग आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ये वीडियो होंगी कैसी, उसके एग्जाम्पल्स आपके यूट्यूब पर दिए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा है, फोन नंबर, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और कैसे ये आपको मिल पाएगा। गुड लक। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया था और उसके बाद कहा गया था विच डायग्राम डिपिक्ट द सर्कुलेशन इन, यानी उस रे डायग्राम को देख करके जहां बॉडी सर्कुलेशन की बात कही गई थी आपको बताना था कि वो सर्कुलेशन किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करता था बॉडी पार्ट सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाता है और हार्ट सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। यानी ऐसे हार्ट जिसमें सिर्फ डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड ही आए और डी ऑक्सीडेंटेड ही पंप हो जाए, इस लिहाज से फिशेस का हार्ट वीनस हार्ट होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का ब्लड पंप होता है। एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इनमें दो प्रकार का ब्लड हार्ट में आता है, इस लिहाज से इसका आंसर फिशेस होना चाहिए, आंसर ए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने सही किया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसका आंसर गलत है। बट सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर सही किया, इट्स नेम इज मोहम्मद एहसान। हमारे ध्यान से शायद इस बच्चे का नाम पहली बार आ रहा है, इसलिए विशेष रूप से बधाई, बहुत बहुत बधाई मोहम्मद एहसान। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और बिल्कुल सही आंसर किया, इट्स ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। मैं फिर हर बार की तरह आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप NCERT से इस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ लें, फिर आप वीडियो को देखें या सुने ऑडियो को तो आपको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैं ब्रीफली पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हेडिंग पड़ी हुई है तो जबकि सही मायने में इसकी हेडिंग होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Electrical activities of the heart is plotted on the graph paper is known as an electrocardiogram. ये जो हम graphical representation करते हैं electrical activities का, it occurs with the help of a machine. उस machine का नाम है electrocardiograph. तो ध्यान रखिएगा, जो machine है वो electrocardiograph है, otherwise जो हम paper पे plot कर रहे हैं वो electrocardiogram है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है और आपने ऐसा देखा होगा, अगर कभी मॉनिटर पे देखें आप इसे तो पिप 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 की आवाज़ आती है, लेकिन अगर अचानक लंबी सी पी की आवाज़ आती है, दैट शोज द नो हार्ट बीट, दैट इज कार्डियक अरेस्ट, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट की बंद हो जाएंगी तो ECG नज़र नहीं आएगा। इस मशीन को अगर थोड़ा समझ लें तो इसमें तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, एक एक लीड हम दोनों रिस्ट पे लगाते हैं और एक लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, एक दूसरी लीड होती है जो चेस्ट पे लगाई जाती है, कई जगह लगाई जाती है फॉर द टोटल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। ECG को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो डिफ्लेक्शन वेव जो है इसमें वो तीन नजर आती हैं, जो डिफ्लेक्शन वेव है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो तीन डिफ्लेक्शन वेव हैं पी वेव, QRS और टी वेव, पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, आप चाहें तो उसे कह सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसका नतीजा एट्रियल सिस्टोल होता है। QRS रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इसका नतीजा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। टी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल रिलैक्सेशन यानी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल,
यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंट होता है पी वेव से, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट होता है क्यू आर एस से, और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट होता है टी वेव से। इन पूरी एक्टिविटीज में क्यू आर एस अगर आप देखें तो इसका वोल्टेज यानी हाइट ज्यादा है, बिकॉज इट नॉट ओनली रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, सॉरी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो एक रफली हमने आपको बात बता दी है, फिर क्वेश्चंस के तहत मैं आपको रिपीट कर दूंगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्मल ईसीजी। यानी चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है ईसीजी के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है, पेशेंट इज कनेक्टेड टू द थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। बिल्कुल सही है, ईसीजी मशीन में तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, एक एक दोनों कलाई में और एक लेफ्ट एंकल में। सेकंड ऑप्शन, टी वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल रिपोलराइजेशन। जी ये गलत है, क्योंकि टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रियल रिपोलराइजेशन का अगर आप जिक्र करेंगे तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू आर एस, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, क्यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिल्कुल सही बात है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत जस्ट आफ्टर द क्यू होती है, क्योंकि क्यू होना ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शुरू हुआ, और जैसे डीपोलराइजेशन शुरू होगा उसी के बाद सिस्टोल आ जाएगा। डी ऑप्शन, आर रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो क्यू आर एस टी ये जो वेव बोली जाती है, इसमें पीक जो होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे क्यू आर एस बोल दें या सिर्फ आर वेव बोल दें, दैट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो इसमें आपको गलत चूज करना था, तो बी ऑप्शन गलत था, टी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल रिपोलराइजेशन, जो गलत है, इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हार्ट बीट कैन बी रिकॉर्डेड एंड डिस्प्लेड एज। हार्ट बीट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, यस ईसीजी के माध्यम से। ऐसा क्यों? इफ यू काउंट द नंबर ऑफ क्यू आर एस वेव इन ए गिवन टाइम पीरियड, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द हार्ट बीट। मीन्स ऐसा क्यों? क्यू आर एस जो वेव है, डिफ्लेक्शन वेव, इट रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नतीजा यही आएगा, हालांकि रिप्रेजेंट तो वह वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को करती है। इसका मतलब ये होता है, जितने क्यू आर एस वेव्स आ रहे हैं उतनी बार वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ और उसका नतीजा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड एज ए हार्ट बीट। तो अगर एक गिवन समय में आप नंबर ऑफ क्यू आर एस वेव काउंट कर लें तो नंबर ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पता चल जाएगा, और वही नंबर ऑफ हार्ट बीट होगा। तो इसीलिए हम ईसीजी की मदद से हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं। आंसर शुड बी द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द पी वेव रिप्रेजेंट। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? इन जनरल हम कहते हैं पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, या कह लीजिए डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसका नतीजा होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। हालांकि पी वेव कभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया शो नहीं करता, लेकिन इट लीड टू, इसका नतीजा जो है वो वही होता है। तो पहला तो सही है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, दूसरा भी सही है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए और बी हमें दोनों मिल नहीं रहा ऑप्शन, इसलिए हम डी कर देंगे, क्योंकि दो ऑप्शन सही हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया एंड डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो हमारी ये मजबूरी है, इसलिए आंसर शुड बी डी। हालांकि होना चाहिए था ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि पी वेव कभी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो नहीं करता। जो भी डिफ्लेक्शन वेव हैं, इट लीड टू द पर्टिकुलर स्टेप, वेदर द कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। तो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिपोलराइजेशन वेव। जो आपको इसमें वेव दी जा रही है, इसमें रिपोलराइजेशन वेव कौन सी है? तो जो पी वेव है वो डीपोलराइजेशन वेव है, क्यू आर एस है वो भी डीपोलराइजेशन है, टी वेव, यस टी वेव रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो आंसर शुड बी द बी। लेकिन आप एक बार जरूर सोच सकते हैं कि क्यू आर एस भी तो रिपोलराइजेशन शो करती है, लेकिन प्राइमरली वी हैव टू से द क्यू आर एस रिप्रेजेंट ओनली द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो होता है वो हिडन होता है,
इसलिए ये सवाल अगर आता है कौन से डिफ्लेक्ट यानी कौन सी एक्टिविटीज आपके डिफ्लेक्शन वेव द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती, तो दैट इज आंसर इज रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्यू आर एस का वोल्टेज हाई क्यों है या क्यू आर एस डीपोलराइजेशन के अलावा क्या शो करती है, तब आप आंसर करते। इसलिए आज से आंसर इसमें बी होगा। इसलिए जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन उस जानकारी का एमसीक्यूज में एप्लीकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। कब हम अपनी जानकारी के किस हिस्से को किस क्वेश्चन में कैसे फिट करेंगे, तो आंसर सुविधा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसीजी रिकॉर्ड्स। तो हम लोग ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। तो ऐसा लग रहा होगा कि पहला ऑप्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ द बॉडी। गलत, बॉडी की बात ही नहीं की जा रही है, इलेक्ट्रिकल करंट की बात नहीं की जा रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, तो पहला तो गलत है। फिर सेकेंड ऑप्शन देखें, पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट की बात करते हैं तो पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन, फिर क्यू आर एस रिप्रेजेंट अगेन डीपोलराइजेशन, टी वेव रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन। ये जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन स्टेप्स होते हैं, एंड दैट शोज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंसेस, क्योंकि जब हम डीपोलराइजेशन कहते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो +30 मिलीवोल्ट से लेकर +50 के बीच में कुछ भी होता है। और जब हम रेस्टिंग फेज में होते हैं, रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, रीपोलराइज हो जाते हैं, तो आरएमपी जनरेट हो जाता है, दैट्स -70 मिलीवोल्ट। तो जो हम इसमें नाम दे रहे हैं डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से आंसर बी होना चाहिए। पल्स रेट ये रिकॉर्ड ऑन जनरल नहीं करता है, लेकिन यू कैन डिड्यूस द पल्स रेट फ्रॉम द ईसीजी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ क्यू आर एस वेव जो होती है वही हार्ट बीट कहलाती हैं, और हार्ट बीट इज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ पल्स रेट। तो ईसीजी पोटेंशियल डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करता है, इसलिए आंसर शुड बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट्स। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होता है? तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल फेज तभी आएगा जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होना शुरू होगा, जस्ट आफ्टर दैट इवेंट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स। तो क्यू आर एस रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो क्यू जैसे ही शुरू हुआ, डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, उसी के जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा, इसलिए आंसर शुड बी द बी, शॉर्टली आफ्टर द क्यू। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड एंड्स विद द एंड ऑफ टी वेव। जैसे ही टी वेव समाप्त होती है, उसी के साथ साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल समाप्त हो जाता है, तो आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट। अभी हमने आपसे कहा कि एंड ऑफ द टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल खत्म होता है क्योंकि जैसे ही टी वेव समाप्त होगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा, और डायस्टोल के जस्ट पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होना चाहिए, अगर आप कार्डियक साइकिल को ध्यान रखे हैं तो। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होती है, वेंट्रिकल एंटर्स इन द डायस्टोल फेज। तो टी वेव जो है जैसे खत्म होगी, यानी रीपोलराइजेशन पूरा होगा, तभी तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज में जाएगा। तो उसके पहले तक के सारे स्टेप जो होंगे वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द क्यू एंड एंड्स विद द एंड ऑफ टी वेव। ये 0.3 सेकेंड का समय लगता है, तो आंसर शुड बी द सी, एंड ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वेव इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फिर वही सवाल, कौन सी वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करती है? सर, वो वेव शुरू करती होगी जो डीपोलराइजेशन कराती है। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की शुरुआत होती है क्यू से। तो जैसे ही क्यू आया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शुरू हुआ, उसी के पीछे पीछे सिस्टोल शुरू होता है, तो आंसर शुड बी द बी, क्यू वेव इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हार्ट बीट कैन बी डिड्यूस्ड बाय काउंटिंग वेव्स इन द ईसीजी। हार्ट बीट कैसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ईसीजी में वेव्स को गिनकर? तो हार्ट बीट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट्स अ रिजल्ट ऑफ ए क्यू आर एस। इसलिए यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ क्यू आर एस वेव इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड।
एक निश्चित समय में जितनी QRS वेव आपको नजर आ रही हैं वही आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, और जितनी बार वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा उतनी बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और वही हार्ट बीट कहलाएगी। तो उस लिहाज से आंसर बी होना चाहिए, दैट इज हार्ट बीट कैन बी डिड्यूस्ड बाई काउंटिंग वेव्स इन द ECG, दैट इज QRS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टॉपेज ऑफ ECG इज ड्यू टू। तो जब तक आपका दिल धड़कता रहेगा वो तभी होगा जब आपके अंदर हार्ट की वॉल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बार बार जनरेट होता रहेगा, यानी डीपोलराइज और रीपोलराइज होता रहेगा। जब ये एक्टिविटीज ही समाप्त हो जाती हैं, ऐसे नोड की एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं कर पाता है, तो सर दिल धड़केगा ही नहीं, एंड दिस फिनोमेना इज अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब नो हार्ट बीट, दिल नहीं धड़कता है, इसलिए ECG भी नजर नहीं आती है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाई। वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में लौट के आता है। एक्साइटेड का मतलब डीपोलराइजेशन और नॉर्मल का मतलब पुनः अपनी इनिशियल स्टेज यानी पोलराइज स्टेट, यानी जब वो रीपोलराइजेशन स्टेट में लौट कर आ जाता है रीपोलराइजेशन में, तो कौन रिप्रेजेंट करता है? तो QRS ने डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट किया, एंड टी वेव ने सर दैट रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, यानी वी आर टेलिंग अबाउट द रीपोलराइजेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टी वेव। तो ये ECG के कुल हमने 11 सवाल कराए आपको। ECG का बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी एक्टिविटीज हम ECG से देख के जान पाते हैं। जैसे एक ही बात आपकी किताब में लिखी है कि हार्ट बीट भी हम इससे डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं, बहुत सारे फिनोमेना, टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, IHD, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें, बीमारियां हैं दैट इज डिड्यूस बाय ECG। इससे सबसे बेसिक जांच में हार्ट की वो ECG है, इसलिए ECG के डिफ्लेक्शन वेव के टाइम या वोल्टेज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो डॉक्टर आसानी से डायग्नोज कर पाता है कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन कार्डियक डिजीज और नॉट। इसलिए ECG हैज एन ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मैं वीडियो के लास्ट में भी आपसे कह ही रहा हूं कि सर प्लीज एक बार आप किताब को जरूर पढ़ें, वीडियो के पहले पढ़ें, एक बार बाद में पढ़ें, देन आप वीडियो को जब आप सुनेंगे तो क्वेश्चन जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा उन्हीं लाइनों के करीब रहें जो आपकी किताब के आसपास हों, उससे दाएं बाएं ज्यादा नहीं जाएंगे, जिससे आपको फील आएगा कि मैंने किताब के उस टॉपिक का रिविजन कर लिया है। और एक और बात कह रहा हूं कि जो आप वीडियो सुन लेते हैं जब आपको मौका मिले उसे दोबारा सुने, फिर रिपीट करें, वो रिपीट करने से ही आपको टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और रिपीट उस समय करें जब आपके पढ़ने में मन ना लगे, ताकि टाइम का यूज भी हो जाए और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाए। यस, अगेन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन द डे जो आज के वीडियो में आपके लिए है वो इस प्रकार हैं। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। जो वेंट्रिकल की दीवार होती है वो ज्यादा मोटी है, एट्रिया की दीवार से ज्यादा मोटी होती है। सवाल यही है, इसकी वजह क्या है? पहला ऑप्शन है इट हैज टू पंप द ब्लड, सेकेंड ऑप्शन है इट हैज टू रिसीव द ब्लड, थर्ड ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट बिलो द एट्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है इट हैज टू स्टोर द ब्लड। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ध्यान से करिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही करेंगे। आई विल वेट योर आंसर्स।